आप सभी का हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब्स में स्वागत है। जॉब से एडमिट कार्ड, रिजल्ट, स्कॉलरशिप से जुड़ी सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज इस वीडियो में हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं एम्स दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर एडमिट कार्ड के बारे में। जिन सभी कैंडिडेट्स ने एम्स दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट में अप्लाई करा था, उन सभी कैंडिडेट्स के रिटर्न एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड आज रिलीज होने जा रहा है। सभी अप्लाइड कैंडिडेट्स इसके एडमिट कार्ड को किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके रिटर्न एग्जामिनेशन के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस से जुड़ी पूरी जानकारी को चेक करने के लिए सभी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हमारे इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। इसकी पूरी जानकारी जानने के लिए चलते हैं हमारी वेबसाइट gayatrijobs.com पे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जल्दी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एम्स नर्सिंग ऑफिसर का रिटर्न एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड रिलीज करने जा रहा है। जिन सभी कैंडिडेट्स ने इसकी वैकेंट सीट्स के लिए अप्लाई करा था, वो सभी कैंडिडेट्स हमारी वेबसाइट के जरिए अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए हमने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको एक डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवाया है। आप इस लिंक पर जाकर अपने रिटर्न एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट में टोटल 2000 वैकेंसीज हैं ग्रुप बी नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए, और आप इसके लिंक पर जाकर नर्सिंग ऑफिसर 2018 के वेरिफिकेशन लेटर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एम्स दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर का रिटर्न एग्जामिनेशन 7 जनवरी 2019 को कंडक्ट होने जा रहा है। जो सभी कैंडिडेट्स इस रिक्रूटमेंट में फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे, उन सभी कैंडिडेट्स का सैलरी स्केल ₹9,300 से ₹34,800 तक रहेगा, प्लस ग्रेड पे 4,600 के साथ। इस रिक्रूटमेंट में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेस पे करवाया जाएगा। एम्स नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट में इनका एग्ज़ाम पैटर्न है। इनके रिटर्न एग्जामिनेशन में मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इसमें टोटल 200 क्वेश्चंस हैं 100 मार्क्स के। रिलेटेड सब्जेक्ट्स में 180 क्वेश्चंस और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में 20 क्वेश्चंस। इस एग्जामिनेशन का टोटल ड्यूरेशन टाइम 180 मिनट्स है। इसमें सब्जेक्ट्स हैं नर्सिंग सब्जेक्ट, न्यूमेरिकल एबिलिटी और एप्टीट्यूड टेस्ट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। इसके रिटर्न एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 45% मार्क्स, एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 40% मार्क्स। हमने अपनी वेबसाइट पर आपको कुछ डायरेक्ट लिंक्स भी प्रोवाइड करवाई हैं। आप इस लिंक पर जाकर इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी और इन्फॉर्मेशन को भी चेक कर सकते हैं, और इस डायरेक्ट लिंक पर जाकर सभी अप्लाइड कैंडिडेट्स अपने एग्जामिनेशन का सिलेबस को भी चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। और सभी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स इस रिक्रूटमेंट और इसके एग्जामिनेशन से जुड़ी सभी लेटेस्ट और करंट अपडेट्स को चेक करने के लिए हमारी वेबसाइट पर लगातार विजिट करते रहिए। हम इससे जुड़ी सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको अपने इस वेबसाइट पर प्रोवाइड करवाएंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।